नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक ग्रामीणों से कहा कि सभी को टीका लगाने के लिए करें प्रेरित। विधायक डॉक्टर सीता सरन शर्मा ने बैठक में जिन्हें सर्दी खांसी हो रही है वे छिपाएं नहीं, उपचार तत्काल कराएं। इटारसी मध्य प्रदेश सरकार के किल कोरोना अभियान के तहत होशंगाबाद विधानसभा के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में आज एक साथ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। विधायक डॉक्टर सीता सरन ने कहा कि इसकी कमान संभाली हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि आधा दर्जन गांवों में ग्रामीणों के साथ बैठकें की जाएंगी। विधायक डॉक्टर शर्मा ने बताया कि विधानसभा की सभी पंचायतों को 5 जोन में बांटा था, वहां हमारी व प्रशासन की टीमें जाकर बैठकें की। डॉक्टर शर्मा ने ग्राम पंचायतों में बैठकों में ग्रामीणों से कहा कि जिन भी पंचायतों के नागरिक 100% कोरोना वैक्सीन लगवा लेंगे वहां विकास कार्य के लिए 10 लाख रुपए अतिरिक्त विधायक निधि से देंगे। डॉक्टर शर्मा ने ग्रामीणों से कहा कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ही स्थाई है, वही अस्थाई उपाय मास्क, सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी है। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा ग्रामीणों से कहा कि किसी को भी सर्दी, जुखाम, बुखार आए तो वह तत्काल डॉक्टर से अपना उपचार कराए, छिपाए नहीं। ऐसा करने से वे अपने परिवार वो अपनी जिंदगी दोनों को ही खतरे में डाल रहा है, साथ साथ अपने आसपास के नागरों के लिए भी खतरा बन रहा है। पत्रकार से बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायतों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की है ताकि अपने गांव के विकास की सोचकर नागरिक वैक्सीनेशन करा लें। मैंने ये तय किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो वैक्सीनेशन फिर भी हो रहे हैं, यद्यपि 45+ में कम है किंतु हो रहे हैं लगातार, किंतु ग्रामीण क्षेत्र में अभी वैक्सीनेशन की जो गति है वो स्लो है, कम है, और इसलिए उसको प्रमोट करना भी आवश्यक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में 100% लक्ष्य जो ग्राम पंचायत हासिल करेगी, वहाँ के सरपंच जी, वहाँ के सचिव, ग्राम सहायक, रोजगार सहायक और आम जागरूक नागरिक, ये सब मिलकर के प्रयत्न करेंगे तो ग्राम पंचायत में यदि 100% लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं तो जो हम विकास राशि रेगुलर उनको देते हैं उसके अतिरिक्त 10 लाख रुपया विधायक निधि से और उनको देंगे ताकि उनके गांव का विकास और ज़्यादा तेजी से हो सके और ज़्यादा अच्छा हो सके। मैं आपके माध्यम से सभी नागरिक बंधुओं से अपील करना चाहता हूँ, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी, कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराए। कोविड-19 से सुरक्षा का, स्थायी सुरक्षा का एक ही उपाय है और वो उपाय है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन करा करके आप स्वयं को, अपने परिवार को और अपने आसपास के परिवेश को सुरक्षित रख सकेंगे, यही मेरी आपसे अपील है। और इसी भावना से मैंने ये इंसेंटिव की बात का विचार किया है और ग्रामीण क्षेत्र से इसको प्रारंभ करेंगे, फिर शहरी क्षेत्र में भी आएंगे। आपको धन्यवाद। R9 भारत के लिए योगेश राजभर की रिपोर्ट। बात करें मंदसौर जिले की तो मल्हारगढ़ ब्लॉक में 5 स्थानों पर किया जा रहा है वैक्सीनेशन, जिसमें मल्हारगढ़, नारायणगढ़, पिपलिया मंडी, बूढ़ा, संजीत में 18 से अधिक उम्र वालों को कोरोना टीकाकरण लगाया जा रहा है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीके सुरा ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लॉक में 5 स्थानों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक सेशन पर 100 होस हर रोज लगाए जा रहे हैं, जिसमें सुबह में ऑफलाइन टोकन सिस्टम के माध्यम से वितरित करने के बाद डोर टू डोर बुलाकर टीकाकरण किया जा रहा है। हर सेशन पर 10 लोगों का वेटिंग में नाम और आधार नंबर लिया गया, यदि 100 व्यक्ति में से कोई नहीं आता है तो जिसके बाद वेटिंग लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। जनता से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का उपयोग जरूर करें। मल्हारगढ़ ब्लॉक में 5 जगह जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संजीत, बूढ़ा, पिपलिया मंडी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणगढ़ और मल्हारगढ़ में प्रत्येक सेशन पे 100 डोज मिले हैं हमको। ऑफलाइन जो है टोकन सिस्टम के माध्यम से सुबह 8 बजे से 9:15 बजे के बीच में जो है टोकन वितरण किए गए और लगभग जो है हर जगह अभी जो है 80+ जो है लोगों को टीके लग चुके हैं। टोटल हमने 100 लोगों को जो है टोकन वितरण किए, प्लस जो है हर सेशन पे जो है 10 लोगों का वेटिंग में नाम, उनका पता, उनका फ़ोन नंबर और आधार नंबर नोट किया है। अगर उन 100 व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति नहीं आ पाता है तो जितने हम प्लस व्यक्तियों को लगा सकते हैं तो
वेटिंग लिस्ट के अनुसार उनको हम बुला के टीके लगाएंगे। 4 बजे तक हम जो 100 बंदों को जो हमने टोकन वितरण किए उनका इंतजार करेंगे, 4 बजे तक हम उनको फ़ोन करके बुलाएंगे। कोरोना काल में आम जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा, जैसे ही अपनों ने जो है सावधानियाँ जो है दूसरी लहर में आम जनता ने प्रशासन को सहयोग करके और खुद अपने विवेक से जो है सावधानियाँ रखी है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, समय से जो बार बार हाथ धोना या सैनिटाइजेशन करना, ये सब रखी है, तो ये आगे भी जो है जब तक महामारी पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए ये चीज़ें चलती रहना चाहिए, ताकि अपन जो है इस महामारी को जल्दी से जल्दी खत्म कर सके, बिल्कुल कम कर सके। R9 भारत के लिए ब्यूरो चीफ श्याम राव, मंदसौर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।